एटा जनपद में लोगों के लिए डीएम बने धरती के भगवान। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीरें बता रही हैं। और कहते हैं कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। यहाँ के जनपद के लोग कहते दिख रहे हैं कि एटा डीएम सुखलाल भारती ने लॉकडाउन के दौरान एक मानवता भरी मिसाल पेश करते हुए दूसरे जनपद में रहने वाले एक 87 वर्ष के बुजुर्ग को एटा डीएम ने अपनी जेब से दवाएं खरीद कर उसके घर होम डिलीवरी कराई गई है। आपको बता दें कि कल डीएम के व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजकर एयरफोर्स में तैनात बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता के लिए दवा की मांग की थी, जिसको एटा डीएम ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल दूसरे जनपद कासगंज के गंज डुंडवारा में अपने कर्मचारी को भेजकर होम डिलीवरी कराई है, जिसकी स्थानीय लोग जमकर डीएम के इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। और लोग इस डीएम सुखलाल भारती धरती का भगवान बताते नहीं थक रहे हैं। जनपद एटा में डीएम सुखलाल भारती के व्हाट्सएप पर कल एक मैसेज आया, जिसमें एक 87 साल के बुजुर्ग के लिए दवा की मांग की गई थी। डीएम के मोबाइल नंबर पर मैसेज करने वाले व्यक्ति राज चौहान एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के पद पर तैनात हैं। राज चौहान ने डीएम सुखलाल भारती को मैसेज कर बताया कि मेरे पिताजी 87 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनकी दवाइयां खत्म हो गई हैं, लॉकडाउन के चलते परिजन दवाएं खरीदने में असमर्थ हैं। वहीं डीएम ने मैसेज को पढ़ते ही तत्काल टीम को निर्देशित कर अपनी जेब से रुपए देकर मेडिकल से दवाएं मंगाई गईं और आज सुबह तक उनकी दवाइयां उनके घर जिला कासगंज के गंज डुंडवारा पहुंचा दी गईं। जबकि वो गांव जनपद कासगंज में आता है, पर मानवता को देखते हुए डीएम सुखलाल भारती के अपने जनपद से अलग दूसरा जनपद होने के बावजूद भी दवा पहुंचाने के इस नेक और सेवा भाव कार्य को लेकर एटा डीएम सुखलाल भारती की इलाके में जमकर प्रशंसा हो रही है। वहीं 87 वर्षीय बुजुर्ग ने एटा डीएम सुखलाल भारती को दिल से धन्यवाद दिया और वहीं स्थानीय लोग उनकी तारीफ करते हुए उन्हें धरती का भगवान कहते दिख रहे हैं। वहीं एटा डीएम सुखलाल भारती की अच्छी छवि और मानवता भरे ऐसे काम करने के चलते लोग उन्हें धरती का भगवान बताते दिख रहे हैं। वहीं लोगों की माने तो इस डीएम के जनहितैषी कार्यों के चलते लोग जनसेवक और न्याय देने वाले भगवान का रूप बताते नहीं थक रहे हैं। वहीं जनपद के लोग तो उन्हें धरती के भगवान कहने से नहीं चूक रहे हैं। वहीं वैश्विक बीमारी कोरोना से त्रस्त प्रदेश के अन्य जिलाधिकारियों को एटा डीएम सुखलाल भारती से सीख लेनी चाहिए। वहीं जिले का कोई भी व्यक्ति उनसे अपनी समस्या को लेकर 24 घंटे में कभी भी आसानी से मिल सकता है, जिसकी जनपद में उनके सादगी भरे व्यवहार की लोग तारीफ करते देखे जाते हैं। वहीं मामले में एटा डीएम सुखलाल भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में अन्य जरूरतमंद लोगों द्वारा भी अपने जरूरत की चीजें मंगाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जारी किए गए नंबरों पर मैसेज आ रहे हैं, जिनको मेरे आदेश द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए उन्हें होम डिलीवरी की सुविधा दी जा रही है। मुझे मोबाइल पे एक ग्रुप कैप्टन है, एयरफोर्स में है वो राज चौहान, उन्होंने एक मैसेज किया था कि इनके पिताजी 87 साल के हैं, गंज डुंडवारा रोड पे कासगंज में शायद उनका घर है, तो उनके पिताजी की दवाइयां खत्म हो गई हैं और सोमवार तक वो दवाइयां पहुंचनी चाहिए और उनके पिताजी की उम्र 87 साल की है और इसमें लॉकडाउन की स्थिति है, दवा उन तक पहुंच नहीं सकती, तो अगर उनकी मदद कर दिया, उनकी दवा अगर पहुंच के पहुंचा दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरे तरह तो उनकी दवा खरीद करके और कल 10 बजे तक उनके घर तक दवा पहुंचा देंगे। सर, ये जनपद काउंसिल का मामला है, फिर भी आपकी द्वारा एक पहल की गई और मैसेज चूंकि मेरे मोबाइल पे आया है, तो ये छोटी सी बात थी, इतनी सुविधा तो हम दे सकते हैं और सेना में जवान है, वहाँ सेवन कैप्टन है और इतनी दूर हैं, वो पहुंच नहीं सकते, उनके पिताजी की उम्र 87 साल है, वो भी नहीं आ सकते, तो ऐसी स्थिति में हमारा फर्ज बनता है कि मतलब ऐसे लोगों की मदद करना जो हमारे लिए इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं सेना में रह करके, तो हमारे लिए फर्ज बनता है कि उन लोगों की सहायता की जाए। जरूरतमंद लोगों के ऐसे मैसेज और भी आ रहे हैं? नहीं, जरूरतमंद लोगों के बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि हमको मतलब हमारे लिए खाना खत्म हो गया है, तो राशन खत्म हो गया, तत्काल हम पहुंचाते हैं ऐसे लोगों को, सबके जहां से भी फोन आते हैं इस तरह के खाने की कमी के संबंध में या राशन के संबंध में, हम लोग तत्काल उनको भोजन पहुंचाते हैं, हमारा स्टाफ तुरंत जाता है, उनके घर भी लेके आता है, उनको राशन दे के आता है। हमारा नाम योगेश। योगेश कुमार जी, अभी जैसे डीएम साहब ने दवाइयां भेजी हैं, क्या मानते हैं आप लोग? डीएम साहब तो अभी हमारे लिए ऐसे समझ लो भगवान है, पब्लिक के लिए जी। जो एक बाहर लड़का था जो उसके लिए पिताजी बहुत बीमार थे जी, उसका मैसेज गया, डीएम साहब ने तुरंत मैसेज पे ही उसके घर वालों के लिए एक लड़का भेज के दवा पहुंचवाई, उसके पिताजी बहुत बीमार थे जी। ऐसे डीएम साहब को तो हम अपने भगवान की तरह मानते हैं। अच्छा, मतलब डीएम साहब की। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।